It's a very very happy moment for everyone. और अभी तो यहाँ जो लोग बैठे हैं सब अपने कॉलेज को शायद कितना 30, 40, 50 तो कम से कम साल पहले छोड़े हैं 50 ईयर्स वाले भी होंगे है ना मुझे मेरे बचपन में एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो जब मैं आज से ठीक 50 साल पहले मई फर्स्ट मई 1969 को मैं सबसे पहली बार आरएसएस की शाखा में गया तो वहाँ हमारे जो कुछ क्लोजेस्ट जो स्वयंसेवक हमारे दोस्त बने उनमें से एक आप ही के कॉलेज के थे वो आई डोंट नो उनके बैच के भी कुछ लोग होंगे यहाँ पे कुलदीप कुमार पुरी और वो अभी आजकल भोपाल में हैं और तो मेरा उनके साथ 50 साल से एसोसिएशन है उसके कारण दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो वहाँ की गतिविधियाँ और ये जो प्रधानमंत्री का जो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ इसके लिए भी हम भी कुछ इनपुट्स वगैरह देते थे तो वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव माइंड के वो व्यक्ति थे जो उनके दोस्त हैं वो सब जानते होंगे तो वहाँ से बैठ के बहुत सारे इनपुट्स आप लोगों के बहुत सारे साथियों के साथ लेके वो पूरे डिटेल्ड प्रेजेंटेशन वगैरह बना के भेजा करते थे तो मुझे अचानक आज जो है यहाँ पर मैं आया तो मुझे एकदम उनकी जो है सडनली याद आई और उसके बाद जब सरकार में मंत्री बने तो जो नया वाला कॉलेज आपका बना उसकी बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के समय में भी जाने का मौका मिला साहेब सिंह जी के साथ और उस समय के लोगों के साथ तो बहुत अच्छा लगा सच बात यह है कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है क्योंकि इट्स ए ग्रेट फीलिंग इट्स ए फीलिंग विच यू कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स एंड यू ऑलवेज एन्जॉय एंड हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी जितना हमने समझा है ही ऑल्सो हैज़ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल्स वेदर इट इज़ एन इंजीनियर और ए डॉक्टर और ए इस वो ठीक है जो प्रोफेशनल्स की कमियाँ हो वो कमियाँ भी खुल के बोल देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो उनका पूरा विश्वास है कि जो अगर उनके सपनों को साकार कोई कर सकता है तो प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं और अभी इस समय आजकल तो इलेक्शन का मौसम है अब हम तो कहीं पर भी जाएं तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो ज़रूर चर्चा करते हैं और 5 साल उनके साथ आप लोगों ने भी बहुत नज़दीक से काम करने का करनैल सिंह जी तो उनके साथ इतने बड़े पद पर रहे हैं मुझे 5 साल उनको नज़दीक से देखकर और काम करने के बाद निश्चित रूप से इस बात का एहसास हुआ कि और ये मैं इसलिए नहीं कहता कि उनके साथ मैंने काम किया है या उनकी पार्टी का हूँ या उनको 30-40 साल से जानता हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई वुड से रेयर पॉलिटिशियन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जील विगर जो हर चीज़ के लिए असाधारण जज्बा है उनके पास और अभी 5 साल में बहुत ऊंचाइयों तक देश को ले जाने के बाद भी वो अभी और बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक बड़े सपने पे काम कर रहे हैं न्यू इंडिया के सपने पर कि मुझे अगले कुछ सालों में एक नया भारत बनाना है ऐसा भारत बनाना है जहाँ सबके चेहरे पर खुशी हो मुस्कान हो दुख दर्द लोगों के दूर हो जाएं उस भारत को बनाने के लिए वो वास्तव में भारत के सभी लोगों के साथ बहुत बड़ी अपील कर रहे हैं अभी कल भी उनका एक नया कैंपेन आपने देखा कि जो शुरू हुआ है और उस सपने को साकार करने के लिए निश्चित रूप से हमको सबको लगता है कि जो हमारे जैसे लोग हैं
वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि साधारण आदमी के मुकाबले जो प्रोफेशनल व्यक्ति है वो निश्चित रूप से समाज में एक रोल मॉडल का काम कर सकता है, और वो रोल मॉडल के रूप में जो है बहुत सारे साधारण व्यक्तियों को इम्प्रेस कर सकता है, उनको मूवमेंट के अंदर जोड़ सकता है। 5 साल के अंदर उन्होंने शायद जितने भी काम हमारे बीच में रखे, जितने भी योजनाएं बनाई, जितने भी विज़न उन्होंने प्रस्तुत किए, आज 5 साल के बाद हर विज़न की सक्सेस के परसेप्टिबल और मेजरेबल, जिसे कहते हैं कि आंकड़े हैं जिनको कि हम एहसास कर सकते हैं, और इस बात में कोई शक है, शायद अब देश के लोगों को नहीं लगता कि जो वर्षों से हम बचपन से बड़े बड़े लोगों की भविष्यवाणियां सुनते थे कि कोई व्यक्ति भारत में निश्चित रूप से आएगा 21वीं शताब्दी में, जो भारत को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। मैं तो पिछले 40 साल से लगातार देखता रहता हूँ कि कौन है वो आदमी जो मैंने बचपन में पढ़ा, तो अब हमको भी कम से कम लगने लगा है शायद वो आदमी जो है नरेंद्र मोदी है। और आज के इस अवसर पर मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबसे यही प्रार्थना है कि आज हम एलुमनी के फंक्शन में मस्ती तो करने आए हैं, मिलने जुलने के लिए आए हैं, लेकिन एक नया संकल्प, कोई ना कोई नया, कोई ना कोई ड्रीम, और ख़ासकर जो लोग 50 साल पहले अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे और अभी छोड़ दिया है, आई थिंक दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट मच मोर। जब सर्विस में रह के काम करते हैं तो बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन जिस तरह से आज रिलैक्स करनैल सिंह जी हैं, मेरे ख्याल से जो आप देखिए कितने रिलैक्स दिख रहे हैं आपको, अभी इनको अगर सारी जो वहाँ की ईडी की इकोनॉमिक्स को जो है ठीक करना हो तो अभी ये ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सुझाव दे सकते हैं, ऐसे ऐसे सुझावों को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, और इनके सुझावों की कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी। और वो तो है ही है, जीनियस हम तो बचपन से देख रहे हैं उनको, और इस नाते जो है यहाँ भी मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ ये कोई साधारण हॉल में बैठे हुए लोग नहीं, ये कोई रूटीन कोई इंजीनियर्स वगैरह नहीं है, सारे देश का जो नव निर्माण है वो तो आप ही लोगों ने किया है, और आप ही इसको जो है कितनी ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं। कभी कभी तो कल्पना नहीं होती कि इंजीनियर लोग कैसे कैसे जो है सारी चीज़ें प्लान कर देते हैं, कितना हुलिया सब चीज़ों का बदल देते हैं, और अभी नितिन गडकरी जी के साथ मिलके तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हुलिया बदलने का प्रयास किया है जिस प्रकार से, तो इट्स ऑल आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। भारत का बहुत सुंदर गहरा अतीत रहा है, हर फील्ड में हम विश्व गुरु रहे हैं, हर फील्ड में हमने, मैंने तो पहले मेडिसिन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था, पिछले 5 साल में मेरे पास जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय रहा, और अभी एनवायरनमेंट, इसके बारे में भी भारत के अतीत के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन करने की कोशिश की, तो सही में लगता है कि हम लोग बहुत गौरवशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, भारत जैसे महान देश में हमको जन्म लेने का मौका मिला है, और उस DNA के माध्यम से, उस अपनी एंशंट पास्ट विजडम के बेस को आगे बढ़ाते हुए हम निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने आँखों के सामने वो विश्वगुरु भारत निश्चित रूप से बना सकते हैं, जो हम सबका भी सपना है, हमारे प्रधानमंत्री का भी सपना है। सारी दुनिया में उन्होंने हमारी प्रतिष्ठा को बहुत 4 चांद लगाए हैं, अभी कोई पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया का देश ऐसा नहीं जो
भारत की ठीक ढंग से इज्जत ना करता हो, भारत के प्रधानमंत्री को उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट ना करता हो, तवज्जो ना देता हो, इज़राइल और पैलेस्टीन भले ही जो है ज़िंदगी भर लड़ते रहे लेकिन अभी पैलेस्टीन वाले भी उनको अपना हाईएस्ट अवार्ड देते हैं, और जो इज़राइल के, अभी मैं इज़राइल में गया था ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, तो करीब 15 मिनट तक मेरे डिनर टेबल पे जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने मुझे अपने पास बुला के बैठा लिया, और 15 मिनट तक वो भारत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारत के साइंस की और भारत के इनोवेशन की और हाउ वी आर नाउ मैचिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड इसकी चर्चा करने लगे। उनको अरब कंट्रीज आपस में लड़ते रहते हैं लेकिन वो सारे के सारे जो है इंडिविजुअली सारे के सारे भारत के साथ है। आज अभी हमने सबने देखा इस्लामिक नेशंस की मीटिंग के अंदर किस तरह से दरकिनार करके पाकिस्तान को, भारत को तवज्जो दिया गया। मैं तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हूँ, मुझे पता है कि एनवायरनमेंट का हाईएस्ट अवार्ड कितने पैशन के साथ यूनाइटेड नेशंस ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास न्यूयॉर्क आने का टाइम नहीं है, तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आप न्यूयॉर्क मत आइए, मैं नई दिल्ली में आ जाता हूँ और आप सिर्फ कार्यक्रम आयोजित कर दीजिए, हम वहाँ पर उनको अवार्ड देंगे। मैंने खुद स्वयं यूनाइटेड नेशंस के लिए कार्यक्रम आयोजित किया अपने मंत्रालय का। एक के बाद एक हम देख रहे लगातार जो है हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने हमें बहुत प्रतिष्ठा दिलाई है। आज के इस अवसर पर ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लंबे भाषण की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी 2-3 शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं जो मैंने देखा हमारे वैज्ञानिकों के बीच में जाते हैं तो प्रोफेशनल्स के बीच में जाते हैं, तो वो एक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी जिक्र ज़रूर करते हैं, और वो सीधे सीधे हमको ये स्मरण कराने की कोशिश करते हैं कि जो हम प्रोफेशनल काम करते हैं उसके साथ हम उसका आउटपुट के साथ कैसे हम समाज के उत्थान को जोड़ सकते हैं, जो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अपना जो प्रोफेशनलिज्म है उसको हम कैसे जो है पीपल सेंट्रिक बना सकते हैं, कैसे इस देश की 70-80 साल की अनसुलझी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और आज जो 21वीं शताब्दी है ये तो एक प्रकार से रिसर्च की और इनोवेशन की शताब्दी है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान, उसके ऊपर अटल जी आए, उन्होंने अपनी विजडम दिखाकर भारत में विज्ञान को सेंट्रल स्टेज पर लाकर उसमें जय विज्ञान जोड़ दिया, और अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसमें जय अनुसंधान जोड़ दिया है, और वो सभी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ख़ासकर यंग लोगों से, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यंग इंजीनियर्स हैं, हम उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि आप डायग्नोस करिए कि क्या क्या अभी देश में समस्याएं बची हैं, और विज्ञान के लोग, मेडिसिन के लोग और इंजीनियरिंग प्रोफेशन के लोग अगर सारे मिलकर एक समन्वय के साथ, एक समर्पित सोच के साथ अगर नए सिरे से विचार करें तो ऐसे ऐसे इनोवेटिव रास्ते खोज कर देश को और समाज को और सरकार को बता सकते हैं कि बहुत जल्दी हमारी जो बची हुई देश की समस्याएं जो भी बहुत सारी अभी भी विकराल रूप में हैं, लेकिन एक बार सारे प्रोफेशनल लोग इस काम के अंदर लगेंगे तो निश्चित रूप से हमें उन सब का समाधान मिलेगा। मैं आज तो इतना ही कहूँगा कि आप सबको, जो आपका कार्यक्रम है इसमें भाषण वाषण ज़्यादा ना हो, इतने सारे लोग बैठे हैं, इन्होंने तो दे दिया है, हम भी भाषण नहीं देना चाहते थे आपका। खूब अच्छा सा एंटरटेनमेंट के लिए एक मैं गीत सुनूंगा और एक बांसुरी सुनूंगा, और उसके बाद जो है मैं भी आपसे विदा लूँगा, क्योंकि चुनाव का समय है, हर गली के अंदर होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा है, हर जगह से टेलीफोन आ रहा है, और चुनाव के समय इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड एब्सेंस इन एनी प्रोग्राम।
तो मैंने सोचा यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो मेरे वोटर होंगे ही। और आपका तो कॉलेज भी जो है, जो ओरिजिनल कॉलेज है, वो मेरी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर है, चांदनी चौक नंबर वन कंस्टिट्यूएंसी है। और मैं यहाँ वोटर्स नहीं देख रहा हूँ आपके बीच में, मैं तो बहुत एबल ऑर्गेनाइजर्स देख रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से भारत का प्रधानमंत्री बनाने वाले। और उस नाते नहीं, कोई शक नहीं है, हमें से किसी को भी शक नहीं है। अभी तो जो उनका विरोध करते हैं वो विरोध करने के लिए करते हैं, उनको भी जो है क्लियर है, क्लैरिटी है कि जो है क्या होने वाला है, इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है। लेकिन जहाँ से मैंने अपनी बात शुरू की थी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वी आर इंडीड ब्लेस्ड टू हैव ए प्राइम मिनिस्टर लाइक नरेंद्र मोदी। और हम सब का ये एक प्रकार से कर्तव्य भी है और राष्ट्र धर्म भी है। मैं बहुत बड़ा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी ऑब्जेक्टिविटी के साथ, अटमोस्ट ऑब्जेक्टिविटी के साथ ये कह रहा हूँ कि शायद हम सब का ये राष्ट्र धर्म भी है कि हम नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो है जुट जाएं।